गाजियाबाद जिले के कविनगर थाना क्षेत्र के पौश इलाके आरडीसी में एक बीजेपी नेता के रेस्टोरेंट में अवैध तरीके से शराब परोसे जाने और बिना परमिशन लड़कियों द्वारा डांस कार्यक्रम आयोजित किए जाने का मामला सामने आया है। गाजियाबाद पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा बीती रात इस रेस्टोरेंट पर छापेमारी की गई। छापेमारी में शराब की 7 खाली बोतलें और 2 खुली हुई शराब की बोतलें भी पुलिस को मिली हैं। तस्वीरों में आप इस रेस्टोरेंट को देख सकते हैं। तासा किचन टेरेस के नाम से ये रेस्टोरेंट है, जहां आए ग्राहकों को अवैध रूप से शराब परोसने का गोरख धंधा चलाया जा रहा था। एसीपी कविनगर अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि इस रेस्टोरेंट में खाना खाने आए एक दंपत्ति द्वारा इस रेस्टोरेंट में लोगों को शराब परोसे जाने की वीडियो बनाकर स्थानीय पुलिस से शिकायत की गई थी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग की टीम हरकत में आई और मौके पर छापेमारी की। रेस्टोरेंट संचालक संयम कोहली के खिलाफ पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया। दिनांक 15 जनवरी को थाना कविनगर क्षेत्र में आरडीसी में स्थित एक फूड कैफे में ये सूचना प्राप्त हुई कि बिना किसी वैध लाइसेंस के शराब आने वाले आगंतुकों को शराब परोसा जा रहा है। उक्त तो सूचना पर थाना कविनगर पुलिस द्वारा आबकारी टीम को साथ में लेते हुए चेकिंग की गई तो ये पाया गया कि बिना किसी वैध लाइसेंस के वहाँ पर आने वाले आगंतुकों को शराब परोसा जा रहा था तथा धारा 144 के प्रभावी रहते हुए भी बिना अनुमति के कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। उक्त के संदर्भ में जो मालिक है, उस परिसर के जो मालिक हैं संयम कोहली, उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार अवैध तरीके से रेस्टोरेंट में शराब परोसने का आरोपी संयम कोहली भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का कोषाध्यक्ष है।